इस हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा हर रोग दफा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। शोपियां के केलर इलाके में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकी को ढेर किया। 4 और आतंकियों के छिपे होने की आशंका, सर्च ऑपरेशन जारी। पीएम मोदी की मिशन शक्ति पर घमासान, येचुरी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने मांगी पीएम मोदी के भाषण की कॉपी, जांच के लिए किया गया कमेटी का गठन। पीएम मोदी की ताबड़तोड़ 3 रैली, आज मेरठ में रैली से करेंगे चुनाव अभियान की शुरुआत, दोपहर में रुद्रपुर और फिर शाम में जम्मू में भी करेंगे रैली। अमेठी के बाद प्रियंका गांधी का रायबरेली दौरा, आज कार्यकर्ताओं से करेंगी चुनावी मंथन। और आईपीएल में रसेल राणा और उथप्पा ने खेली धुआंधार पारी, कोलकाता नाइट राइडर्स ने किंग्स 11 पंजाब को 28 रनों से हराया। नमस्कार, मैं हूं नदी गुप्ता, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। महाराष्ट्र कांग्रेस के कद्दावर नेता संजय निरूपम को मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह पर मिलिंद देवड़ा को मुंबई का अध्यक्ष बनाया गया है। संजय मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से लोकसभा चुनाव में ताल ठोकेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वाले संजय निरूपम अपने बयानों की वजह से विवादों में चल रहे थे। चुनावी रणनीति और देश के तमाम मुद्दों को लेकर न्यूज वर्ल्ड इंडिया संवाददाता राहुलदेव शर्मा ने संजय निरूपम से खास बातचीत की। नमस्कार, द सीएसआर जर्नल और न्यूज वर्ल्ड इंडिया के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल देव शर्मा और इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं संजय निरुपम। संजय निरुपम हाल ही में मुंबई अध्यक्ष रहे, लेकिन अब वो एक लोकसभा के उम्मीदवार हो गए हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया संजय जी। आपसे पहला सवाल ये कि क्या आपको बहुत ज़्यादा खुशी है उम्मीदवार बनने की, या फिर मुंबई अध्यक्ष का पद छिन गया है इस बात का गम है? नहीं, मैं एक चुनावी राजनीति करने वाला कार्यकर्ता हूं और ठीक ये चुनाव का दौर चल रहा है और ऐसे में मुझे चुनाव लड़ना था, ऐसी मैंने प्रार्थना की थी पार्टी में। तो पार्टी ने तय किया कि मैं यहां से चुनाव लड़ूं और संगठन की जो जवाबदारी है उसे छोड़ दिया जाए। इसलिए संगठन की जवाबदारी छोड़ने का निर्णय एक मिला जुला निर्णय था और मुझे प्राथमिकता देनी चाहिए चुनाव के ऊपर, चुनाव पर फोकस करके उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम मुंबई में रहने वाले जो हमारे यहाँ के लोग हैं उन सभी लोगों को सभी लोगों से जुड़ने का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिले मुझे, उनके इश्यूज़, उनके सवालों पर, उनकी समस्याओं के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए और पूरे इत्मीनान के साथ चुनाव जीता जाए, इसके लिए पार्टी ने व्यवस्था करके दी है जिसका मैं सम्मान करता हूँ। एक सवाल ये हमेशा से ही रहा है कि गुटबाजी, जब भी आप मिलते हैं पत्रकारों का एक ही सवाल होता है कि गुटबाजी आंखों की किरकिरी बन गए थे आप, हमेशा से गुटबाजी का सवाल आपके ऊपर खड़ा करता मुझे लगता है कि अब गुटबाजी खत्म हो जानी चाहिए। और जो दिल्ली में हमारे हाईकमान को बार बार जो परेशान करने के लिए लोग जाते थे, अब मुझे लगता है लोग नहीं जाएंगे और सब कुछ सही सलामत मुंबई कांग्रेस में होगा मेरे जाने के बाद, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। इस सीट से क्यों? इस सीट से इसलिए कि पिछले 25 वर्षों से मैं इसी सीट पे, इसी क्षेत्र में रहता हूँ, काम करता हूँ, यहाँ के लोगों से मेरा एक ज़बरदस्त कनेक्ट है। 2009 में डिलिमिटेशन के बाद एक नई सीट बनी थी, तब मैंने यहीं से उम्मीदवारी मांगी थी, लेकिन किन्हीं परिस्थितिवश मुझे कहा गया बोरीवली जाने के लिए और बोरीवली में चुनाव लड़ा, जीता। अब पूरे 5 साल ईमानदारी से उत्तर मुंबई की सेवा की मैंने और पूरे 5 साल सेवा करने के बाद मुझे उतने ही बुरी तरह से हराया गया। शायद उस क्षेत्र के लोग चाहते थे कि संजय निरुपम से बेहतर उम्मीदवार उनको चाहिए, शायद वो मेरी सेवाओं से खुश नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे, और इसलिए तभी यहाँ पर एक ऐसी परिस्थिति निर्माण होती है कि मुझे चुनाव लड़ने का एक मौका मिलता है। तो मैंने सोचा कि एक साथ कई काम हो जाएगा, मैं अपने घर वापस आ जाऊँगा, जिस क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ना चाहता था वहाँ आ जाऊँगा और इस क्षेत्र के लोगों की सेवा करने का मुझे एक अवसर प्राप्त होगा। ये भी एक परिस्थिति निर्माण हुई और निश्चित तौर पर जो फैसला हुआ है पार्टी की तरफ से मुझे यहाँ से उतारने का, वो फैसला बहुत ही अच्छा है। पूरे उत्तर पश्चिम क्षेत्र के तमाम नागरिकों का मैं सम्मान करता हूँ, जो हमारी माताएँ बहनें हैं
जो नौजवान साथी हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उन सभी का आशीर्वाद मुझे चाहिए। उन सभी लोगों के बीच मेरा एक परिचय है। सभी लोग ऐसे यहाँ पर हजारों लोग मिलेंगे इस क्षेत्र में जिनका कभी ना कभी कुछ ना कुछ मैंने काम किया है। ऑप्शन रखा गया था कि आप पहले उम्मीदवार ले लीजिए या फिर आप पार्टी के संगठन में रहिए, ऐसा ऑप्शन? एक चर्चा का एक विषय था कि क्या करना चाहिए, तो मुझे लगा कि ये इस पद पर, अरे चुनाव लड़ना जो एक ज़्यादा बेहतर होगा, और चुनाव की राजनीति करना मेरी प्राथमिकता होगी, और चुनाव के माध्यम से लोगों की सेवा करने का ज़्यादा मौका मिलेगा, और संगठनात्मक भूमिका में मैं पूरे 4 बरस तक जोरदार तरीके से काम करता रहा। अब संगठन की भूमिका छोड़ दी जाए और चुनावी भूमिका में उतरा जाए। मुद्दे संजय जी बहुत ज़्यादा हैं इस बार, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, नोटबंदी, GST, इन सारे मुद्दों को लेकर आप हमेशा से ही जनता के बीच जाते रहे हैं जब आप संगठन में रहे हैं। अब यही मुद्दे आप फिर से जनता के बीच लेकर जाएंगे जब आप वोट मांगने जाएंगे या फिर लोकल? नहीं, लोकल मुद्दे भी रहेंगे। लोकल मुद्दे ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि जब हमने अभी सर्वे कराया कि लोगों के इश्यूज़ क्या क्या हैं और किन इश्यूज़ पे चाहते हैं हमसे कि हम उनकी मदद करें, तो सबसे ज़्यादा लोकल मुद्दे सामने आ रहे हैं। रास्ता नहीं है, पानी नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम ठीक करिए, साफ़ सफाई करके दीजिए। अभी अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है यहाँ पे कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी पिछले 30 वर्षों से सत्ता में है महानगर पालिका में, और महानगर पालिका की जवाबदारी है ये जो बेसिक नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने की, लेकिन 30 वर्षों से सत्ता में रहने के बाद भी ये दोनों पार्टियां आज तक मुंबई के लोगों को उनकी बेसिक ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाई है। ये उनकी फेलियर है जिसकी सजा मुंबई के लोग भोग रहे हैं। तो ऐसे मुंबई, खासकर उत्तर पश्चिम मुंबई के लोगों के इन प्रश्नों के ऊपर तो काम करना है। नोटबंदी एक बहुत बड़ा हादसा था, और नोटबंदी के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के सामान्य नागरिकों को, गरीबों को, मध्यम वर्ग के लोगों को सताया गया, उनकी जमा पूंजी छीन ली गई, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया गया, बड़े बड़े जो कॉरपोरेट सेक्टर के लोग थे, तो वो दर्द आज भी है। और अगर नरेंद्र मोदी दोबारा आ गए, जिसके चांसेस कम हैं, लेकिन अगर आ गए तो फिर से नोटबंदी लेके आएंगे, क्योंकि उनको अपने कॉरपोरेट सेक्टर के जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी सेवा करने में ज़्यादा रुचि है बनिस्पत की जो गरीब और कमजोर लोग हैं उनकी सेवा करने में। GST की वजह से पूरा का पूरा जो मुंबई एक व्यापारिक केंद्र है, मुंबई एक फाइनेंशियल सेंटर है हमारे देश का, तो जो मध्यम और लघु स्तर के जो कारखाने हैं वो बहुत बुरी तरह से तबाह हुए हैं यहाँ पे GST के बाद। तो इन विषयों पे चर्चा होगी और इन विषयों के ऊपर मार्ग भी निकाला जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट किया है कि जिस स्वरूप में GST मोदी सरकार ने लागू किया है, अगर हम सरकार में आएंगे तो पूरा स्वरूप बदल दिया जाएगा। GST एक ही होगा, एक ही टैक्स लगेगा और 18% के आसपास होगा, और जो इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं GST भरने के लिए वो सारा का सारा सरल कर दिया जाएगा। तो इन विषयों को लेकर हम लोगों के भी जाएंगे। फिर ये मैनग्रोव्स का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है यहाँ पे, फिर एक सब्जेक्ट है RA का जो सब्जेक्ट है, झोपड़पट्टियों में जो गरीब लोग रहते हैं उनको बहुत सताया जा रहा है शिवसेना BJP के राज में। उनको अनाज नहीं मिल रहा राशन की दुकानों से, उनके झोपड़े अनावश्यक रूप से तोड़े जा रहे हैं, तो उन सब के साथ भी खड़ा होना, उनकी सेवा करनी। सर्जिकल स्ट्राइक में देखा गया कि आपने सबूत मांगे, लेकिन एयर स्ट्राइक में सबूत आपने बिल्कुल नहीं मांगे, सवाल खड़ा ही नहीं किया आपने, यानी कि मतलब आपको डर था कि कहीं देशद्रोह न साबित कर दिया जाए BJP द्वारा। देखो, ये सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक ठीक है, सरकार कर रही है, दावा कर रही है, लेकिन आप किन लोगों को देशद्रोही कह रहे हैं? जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में एक भूमिका निभाई, जिस पार्टी ने, पार्टी के नेताओं ने, जो हमारे पूर्वजों ने, उनको आप देशद्रोही कहते हैं? आप स्वयं ब्रिटिशर्स के साथ थे। गुरु गोलवलकर का एक फेमस कोट है कि हिंदुओं अंग्रेजों से लड़ने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो, तुम्हें अभी मुसलमानों से लड़ना है, कम्युनिस्टों से लड़ना है, पता नहीं और क्या क्या बातें। अंग्रेजों से माफ़ी मांगी है जिस पार्टी की सत्ता है उसके बड़े नेताओं ने, और उस कांग्रेस को और कांग्रेस के नेताओं को आप देशद्रोही कहते हैं जिस कांग्रेस की सरकार ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए,
पाकिस्तान ने आज तक इसके लिए कांग्रेस को माफ नहीं किया है। हमने पूरा युद्ध जीता है 1965 में। ये कौन सा युद्ध लड़े और कौन सा युद्ध जीते हैं अभी तक? लड़ भी पाएंगे? तो हम अपने सेना के जवानों के पराक्रम पर सवाल नहीं उठाते, उन पर तो हमको फक्र है। इनका जो बड़बोलापन चलता रहता है और सेना के जवानों के पराक्रम का राजनीतिकरण जो ये करते हैं और उस नाम पे जो वोट मांगते हैं, हम उसका विरोध करते हैं। मोर्चा मैन जाना जाता है आपके नाम पर। जब भी आप संगठन में रहे हैं 4-4.5 साल, हर एक मुद्दे पर आपने मोर्चा निकाला, मोर्चा मैन की उपाधि दी गई आपको। अच्छी बात है, ये मेरे लिए सम्मान की बात है और मैं इसको अपना अपमान नहीं समझता। हासिल किया, क्योंकि अगर आप राजनीतिक जीवन में हैं तो आपका पहला जो धर्म है वो ये है कि लोगों के प्रश्न को लेकर के काम करिए। काम करने के अलग अलग तरीके होते हैं, कोई चिट्ठी लिख के काम कराता है, कोई फ़ोन करके काम कराता है। हम मोर्चा प्रदर्शन आंदोलन करके लोगों के सवालों को सामने लेकर के आते हैं और उन विषयों पर लोगों को भी आंदोलित करते हैं, और जो लोग जनता को तकलीफ दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, उनके खिलाफ एक सतत संघर्ष करते हैं। ये मेरा अपना राजनीतिक चरित्र है और इस चरित्र के लिए मैं जाना जाता हूँ। और इसी चरित्र की अभिव्यक्ति के तौर पर मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर हमने एक जबरदस्त आंदोलनात्मक कार्यक्रम 4 वर्षों तक चलाया, आगे भी चलेगा। पार्टी ने सराहा भी, बाकायदा पत्र में लिखा है। बिल्कुल, पार्टी एक्चुअली क्या था, 2014 में चुनाव हारने के बाद पार्टी में मूर्धनी आ गई थी, और उसके बाद हमारे जैसे लोगों को इसलिए जवाबदारी दी गई ताकि हम रास्ते पे उतरकर लोगों के प्रश्नों पर काम करें और लोगों को मोबिलाइज करें और कांग्रेस के प्रति जो लोगों में एक नाराजगी है, निराशा है, उसको दूर करें। और 4 वर्षों में काफ़ी हद तक यह सब करने में हमें कामयाबी मिली है। लेकिन कामयाबी उस जगह पर नहीं मिल पाई कि कृपा शंकर सिंह को साथ में लेकर जाएं, गुरदास कामत जी को, अब तो स्वर्गीय हो गए, उनको साथ में लेकर चलें। तमाम नेता जो थे आप ही मंच पर दिखते थे, कोई नेता दिखता ही नहीं था। क्यों साथ नहीं रहा लोगों का आपके साथ? अब ये सवाल तो उनसे पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? लेकिन कुछ तो रहा होगा कि वो साथ छोड़ रहे हैं आपका। मुझे नहीं मालूम। अभी मैं इतना भद्दा दिखता हूँ या मेरे बदन से कोई दुर्गंध निकलती है, मुझे तो नहीं मालूम है सर। लेकिन इस बार जब जनता के साथ जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, तो उनका साथ रहेगा? बिल्कुल रहेगा। किसी का फोन, किसी का समर्थन? अच्छा, ये जो हमारे पार्टी के नेता लोग हैं वो लोग आएंगे, आएंगे ठीक है, नहीं आएंगे तो भी ठीक है, हम अपना चुनाव लड़ेंगे, लोगों के बीच जाएंगे। हमेशा से ही आप जुमलाबाजी सरकार के खिलाफ रहे हैं। हम आज लोगों से बात कर रहे थे 72,000 रुपये जो न्याय के बारे में लोग कह रहे हैं, आपको लगता है ये फिजिबल हो पाएगा? हमारा ये जुमला नहीं है, गरीबी के ऊपर एक हमला है। जो गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनकी एक मिनिमम इनकम होनी चाहिए, उसकी गारंटी कांग्रेस पार्टी दे रही है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो सभी गरीब लोगों के घर में, उनके बैंक के अकाउंट में 72,000 रुपये हर साल हम पहुंचाएंगे सीधे। और यह जुमला नहीं है, जुमला 15 लाख रुपये वाला था जो आज तक पूरा नहीं हुआ। यह एक व्यवहारिक किस्म का कार्यक्रम है जिसको नरेगा की तरह इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे आ जाएंगे तो बड़ी बात नहीं, पैसे की कहाँ कमी है? पैसे की कोई कमी नहीं है, इतने सारे प्रोजेक्ट हम स्कीम चला रहे हैं। आपको प्रायोरिटी तय करनी पड़ेगी, आपकी प्राथमिकता क्या, ये महत्वपूर्ण। अगर आपकी प्राथमिकता गरीब है, गरीब की मदद है, तो पैसे हैं। अगर आपकी प्राथमिकता अनिल अंबानी और अदानी है तो भी पैसे नहीं है। अंबानी की बात किया आपने, हम आपसे जानना चाहेंगे राफेल के मुद्दे पर जब भी कोई राहुल गांधी की बात नाम आता है तो आपने महाराष्ट्र लेवल पे बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, बहुत सारे अपने मोर्चे निकाले हैं खुद अनिल अंबानी के घर पर, दफ्तर पर। क्या कहेंगे आप राफेल के मुद्दे को? जनता राफेल विमानों की जो खरीद है वो अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला है और इस घोटाले में और कोई नहीं, सीधे प्रधानमंत्री शामिल है। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांकवा ओलांदे के साथ एग्रीमेंट साइन किया था राफेल खरीदने के लिए, और उसी एग्रीमेंट में, उसी नेगोशिएशन में यह फैसला हुआ था कि जिस व्यक्ति ने एक कागज का भी जहाज नहीं बनाया है, ऐसे व्यक्ति यानी अनिल अंबानी को राफेल विमानों की मरम्मत का काम और देखरेख का काम देना चाहिए, और उसके लिए 30,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। मतलब सीधे एयरफोर्स का 30,000 करोड़ का पैसा, जिन गरीबों, कमजोरों या बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए 30,000 करोड़ का इस्तेमाल हो सकता था, वह पैसा मोदी जी ने स्वयं खुद अनिल अंबानी के जेब में डाल दिया है। तो यह घोटाला प्रधानमंत्री जी का स्वयं का है और इस घोटाले के खिलाफ़
खुल करके कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी बोले हैं, और इस घोटाले का ही नतीजा है कि बीजेपी बैकफुट पे चली गई, बीजेपी घबरा गई, डर गई। आयाराम गयाराम की राजनीति शुरू हो गई, जैसे चुनाव नज़दीक आता है एक दूसरे के पार्टियों में लोग जाते हैं, कांग्रेस से बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं, सुजय पाटिल सबसे ताज़ा उदाहरण है। सुजय पाटिल कौन से नेता हैं हमारे? वो नेता है, वो एक नेता के सुपुत्र है, वो एक नेता के सुपुत्र है। अब एक नेता के एकदम से नौसिखिए बच्चे को पार्टी में लेके बीजेपी को लगता है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई है, तो ठीक है, उस भारतीय जनता पार्टी को मुबारक है। आज वो कहते थे कि हमने 20 करोड़ लोगों को सदस्य बनाया पूरे देश में, मिस कॉल सदस्य बनाया। इतनी बड़ी पार्टी, 20-20 राज्यों में इनकी सरकार चल रही है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री हैं, तो भी इनके पास अपना कोई उम्मीदवार नहीं है कि एक नेता के बेटे को लेकर उम्मीदवार बना रहे हैं। ये तो इस पार्टी की अपनी बैंकरप्सी है। इस सीट से आप उम्मीदवारी लड़ रहे हैं, बताया जाता है, चूँकि आप जिस तरह से बोले कि गुटबाजी थी अभी भी है, आपको लगता है कि गुरुदास कामत के समर्थक और लोग आपको वोट देंगे? बिल्कुल देंगे, क्योंकि वो जो लोग जिनको आप गुरुदास कामत के समर्थक कह रहे हैं, वो दरअसल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, एक समर्पित कार्यकर्ता है। और मेरा कोई गुरुदास जी से कोई झगड़ा कभी नहीं हुआ, तो वो नाराज रहते थे, मैंने तो कभी उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, कहीं अगर बोला हो तो आप दिखा दीजिएगा। और मेरी आदत है, मैं अपने नेताओं के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलता, और आज दुर्भाग्यवश वो नहीं है हमारे बीच। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने मुझे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का एक अवसर दिया है, तो मैं चाहूँगा, और मुझे पूरा विश्वास है उनसे जुड़े जो भी कार्यकर्ता, जो कांग्रेस के सच्चे कार्यकर्ता हैं, वो सभी लोग कांग्रेस के उम्मीदवार के प्रचार प्रसार में जुटेंगे और मदद करेंगे। अभी एक वाक्य आप जिक्र कर रहे थे कि आपकी माँ और आपकी सासू माँ दोनों का आशीर्वाद आप सुबह। मेरी माँ बिहार की हैं, मैं बिहारी हूँ, मेरी सासू माँ महाराष्ट्रियन है, मेरी वाइफ महाराष्ट्रियन है, तो पिछले कई चुनावों से मैंने देखा था इन दोनों को साथ में हम लेकर जाते थे चुनाव वोट डालने के लिए, कि मेरी माँ जा करके पंजे को वोट देती थी और ये शिवसेना को वोट देती थी। तो इस बार आज मैंने सुबह सुबह दोनों का जब आशीर्वाद लिया, तो मैंने कहा कि इस बार आपको, सासू माँ को बोला कि इस बार आपको पंजे को वोट देना पड़ेगा। बोला क्यों? तो मैंने कहा कि मैं, क्योंकि मैं इस क्षेत्र का इस बार उम्मीदवार हूँ। बोला बिल्कुल, मैं लाइफ में पहली बार कांग्रेस को वोट दूंगी आपके लिए। तो यह है मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैंने शिवसेना का एक वोट आपने कर दिया, का एक वोट हमने कैंसिल किया, चेंज किया। चलिए, शिवसेना का जिक्र हुआ है, तो शुरुआत आपकी जो करियर की रही है शिवसेना से रही है। शिवसेना गठबंधन को लेकर बहुत राजनीति हुई, जेब में इस्तीफे लेकर घूमे गए, गालियाँ एक दूसरे को बकी गईं, लेकिन फिर भी एक साथ आ गए। ये तो महाराष्ट्र के सारे लोग सवाल उठाएंगे और उठा रहे हैं। शिवसेना के जो प्रमुख हैं श्री उद्धव ठाकरे, वो पंढरपुर में बड़ी पब्लिक मीटिंग में कहते हैं कि चौकीदार चोर है, और बाद में उसी चोर की पार्टी के साथ आप गठबंधन करते हैं। अब किस मुंह से आप वोट मांगने जाएंगे लोगों के बीच? उस चोर की सरकार दोबारा लाइए, यह शिवसेना चाहती है? और लोग शिवसेना के इस अनुरोध को, इस पागलपन को स्वीकार कर लेंगे? जिस तरीके से शिवसेना ने बीजेपी वालों को बोला ये अफजल खान की औलाद है, अमित शाह ने कहा इनको पटक के मारेंगे, मेट्रो का भूमि पूजन होता है तो उद्धव ठाकरे नहीं बुलाए जाते, कोस्टल रोड का भूमि पूजन होता है तो उद्धव ठाकरे करते, मुख्यमंत्री नहीं बुलाए जाते हैं। पूरे 4.5 वर्षों तक महाराष्ट्र में दोनों पार्टियों ने मिलकर काम नहीं किया, बल्कि एक दूसरे की टांग खींचने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ की है, और इसका जो असर है महाराष्ट्र के लोगों के ऊपर पड़ा है। महाराष्ट्र सरकार को जो तमाम फैसले करने चाहिए थे जनहित में, वो फैसले नहीं हो पाए। 56 पार्टियां महाराष्ट्र में हैं, 56 इंच सीना, बीजेपी कह रही है कि उनके सामने 56 पार्टियां नहीं टिकेंगी, आप लोग कह रहे हैं कि ये इत्तेफाक है? नहीं, इसे कोई 56 इंच का सीना नाप करके हमने 56 पार्टियों का गठबंधन तो नहीं बनाया है, इत्तेफाक, लेकिन ये छोटी छोटी पार्टियां हैं जो, नहीं, ये इसमें एक बड़ी बात यह है कि इतनी सारी पार्टियां कांग्रेस के नेतृत्व में या राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ एक मंच पे क्यों आ रही हैं, उनके साथ क्यों नहीं जा रही हैं? क्योंकि ये सारी पार्टियों में सही सोच के लोग बैठे हैं, और कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरह इन्होंने भी संकल्प लिया है कि इस बार बीजेपी और शिवसेना की सत्ता उखाड़ कर फेंकी जाए, तो यह उनके लिए बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए। आपको टिकट पाने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी, इतना ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा,
पार्टी हाईकमान ने भी आपको बहुत तरसाया, नाराजगी? तरसाया तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कि पहली सीसी हमारे यहाँ एक पूरा सिस्टम है, एक प्रक्रिया है। अगर हम लोगों ने प्रदेश से कुछ सीटों पर एक ही नाम दिया है तो दिल्ली की जो कमेटी है वो उस पर बहुत चर्चा नहीं करती। तो दक्षिण मुंबई से एक ही नाम आया था, उत्तर मध्य से भी एक ही नाम आया, तो हमने जब वो नाम रखा तो आखिर तक जो ऊपर तक गया नाम, वो दो नाम थे पहले दौर में, वो दोनों नाम के तो ऐसे जहाँ जहाँ एक एक नाम थे हमने क्लियर कर दिए फटाक से। हमारे यहाँ और भी लोग दावेदार थे तो उस पर दिल्ली में चर्चा होनी थी कि और कौन कौन दावेदार हैं, कौन किसको चाहिए, क्या चाहिए। तो उन तमाम दावेदारों के लिए चर्चा करते करते उसके बाद जाके फैसला लेने में इतना वक्त लगा, और सही है, वक्त लगता है। जो चीज़ें बड़े इंतज़ार में मिलती हैं, बड़ी मशक्क़त से मिलती हैं, वो बहुत काम की होती हैं। 9 सीट पे अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया, वहाँ पर हो जाएगा, फेस एक दो दिन में हम कर लेंगे। कौन होगा अभी बताते हैं हम आपको, एक दो दिन में करके बताएंगे। मिलिंद देओरा जी को आपने कहा कि कांटो भरा ताज उनको मुबारक हो, आप 4.5 साल तक कांटो भरा ताज लिए और वही आपके खिलाफत में खड़े रहे और उनको ही ये पार्टी का डिसीजन आया कि उनको अध्यक्ष बनाया जाए। यानी कि कहीं ना कहीं ये जताने की कोशिश की कि भैया तुमने विरोध किया, तुमने उनकी शिकायत की, लो अब तुम झेलो इसको, बताओ अब कैसा लग रहा है, ऐसा कुछ है? ये तो मुझे नहीं मालूम कि पार्टी के नेतृत्व के मन में क्या था, लेकिन निश्चित तौर पर मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष का जो पद है वो बहुत ही चुनौती भरा है, काफ़ी कठिन है, और इस पूरी जवाबदारी को निभाना एक बहुत आसान नहीं है। और इसलिए मैंने कहा कि कांटो भरा ताज, कांटो का ताज, आपको मुबारक हो, मेरी पूरी शुभकामनाएं, आप कामयाब हो। 6 सीटें में से कितनी उम्मीद है आपको? 6 की 6 आएंगी, कांग्रेस की 5 सीट आएगी और राष्ट्रवादी कांग्रेस भी जीतेगी, हम 2009 वाला इतिहास रचेंगे। संजय जी, अगर जो हम आपके राजनीतिक करियर की बात करें तो बहुत ही उतार चढ़ाव रहा है, शुरुआत आपने शिवसेना से की, उसके बाद फिर कांग्रेस ज्वाइन किए, आप एक प्रखर नेता माने जाते हैं, पूरे करियर की अगर जो हम बात करें तो कैसा रहा सफर ये पूरा, मतलब यादें आती हैं? अभी तो सफर शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो हमने जस्ट शुरू किया, तो बहुत कुछ करना बाकी है, लंबा सफर है। कहाँ तक जाएंगे पता नहीं, कहाँ तक जाएंगे, ये तो जहाँ तक लोग ले जाएं, ईश्वर ले जाएं, उनको तय करना है, काम करते रहना, चलते जाना है। तो इस बार केंद्रीय मंत्री की पंक्ति में मुझे नहीं मालूम पार्टी के मन में क्या है, लेकिन चुनाव लड़के जीतना हमारा पहला ध्येय है और उसको हासिल करना है। पहले उसको हासिल करने के बाद दिल्ली में क्या समीकरण बनते हैं, हमारे कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार बनती है, क्या होता मुझे नहीं मालूम, उसके बाद तय होगा। संजय जी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और 10 SR जर्नल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, थैंक यू।